कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। आज भी अगर कोई मेरी वीडियोस के नीचे या इंस्टाग्राम वगैरह पर कमेंट करता है कि मेरी स्किन डल है जी, चेहरा बहुत सांवला है या स्किन फेयर नहीं रही, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि कोई भी अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लो। लेकिन मेरे कुछ बड़े ही लाडले से व्यूवर्स इतनी सारी प्रोडक्ट्स देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं बड़ा औखा काम है। और लाडले व्यूवर्स के लिए मेरे पास हैं ये खूबसूरत कलर्स और फ्लेवर्स में कैंडीज, मतलब प्रोडक्ट्स, जो इन शॉर्ट व्यूवर्स का दिल बहलाने और उन्हें स्किन केयर के हवाले से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम एक कटोरी लें और इसमें डालें पानी 2 से 3 चम्मच, ग्लिसरीन 1 चम्मच, सोडियम हेलोरोनेट 1 चुटकी नमक, और हेलोरोनेट की जगह लिंबिना हेलोरोनिक एसिड सीरम 4 से 5 कतरे, PEG60 हाइड्रोजिनेटेड कैस्टर ऑयल, इसकी जगह कैस्टर ऑयल 1 चम्मच, और ये एक प्रिजर्वेटिव है। कारबोमर इसे जेल की शक्ल देने के लिए है। मिथाइल पैराबिन ये एक प्रिजर्वेटिव है। अच्छा, यहाँ इनकी इतनी मेहरबानी है कि इन्होंने ऊपर लिख दिया है, वरना ज्यादा प्रोडक्ट्स पर तो मेंशन ही नहीं किया जाता। उसके बाद ये एक सेलुलोज है जो इसे थिकनेस फराहम करने और फेस को क्लींस या वॉश करने की प्रॉपर्टीज रखता है। इसके बाद है जी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो डोंट वरी, हमारे पास इसका कहवा मौजूद है, डालेंगे 1 चम्मच। और आखिर में है फ्रेग्रेंस। इसके लिए आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल 2 से 3 कतरे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें डिबो दें कोई भी छोटा सा कपड़ा, टिश्यू या टॉफी शीट मास्क। अब ये जो चीज हमारे सामने आई है, सेम यही चीज मामूली फर्क के साथ इस पैकेट के अंदर है। जो भी इंग्रेडिएंट इस शीट ने सोक किए हैं, ये उनको स्किन के साथ कनेक्टेड रखने के लिए एक मॉडर्न टेक्निक है, ताकि ये स्किन पर ज्यादा देर तक टिके रहें और इसे अच्छे से नरिश करके ढेर सारे बेनिफिट्स दे सकें। सो अब बात करते हैं कि ये चीज क्या है। एक्चुअली कंपनी का नाम है नेचुरल माली सिस्टम। टोक्यो, बीजिंग, न्यूयॉर्क और पेरिस समेत तकरीबन 18 मुल्कों में इसकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये एक बहुत ही यूनिक और कलरफुल सा प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में लोकल मार्केट्स के साथ साथ draz.pk पर भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। नेचुरल माली के ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में कोर पाक ब्यूटी वाले इम्पोर्ट कर रहे हैं और इंतहाई रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक कोरियन प्रोडक्ट है, जहाँ के लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और DIYs में बहुत आगे हैं और स्किन केयर तो उन पर खत्म है भाई। यहाँ मेरे हाथ में है जी ग्रीन टी अल्ट्रा हाइड्रेटिंग एसेंस मास्क, जिसे खोलना, निकालना और लगाना बिल्कुल ईजी है। ये इस तरह के फैब्रिक पर मुश्तमिल होता है, मतलब काफी सारा लिक्विड अपने अंदर सोक किया हुआ है और खुशबू इसकी लाजवाब है, फ्रेश है। प्रॉपर फेस की शेप को मद्देनजर रखकर बनाया गया है और हमारी मॉडल की छोटी छोटी सी फेस पर थोड़ा सा बड़ा फील हो रहा है। ये आपकी स्किन को इनफ मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है और मुसलसल इस्तेमाल स्किन को सॉफ्ट, हेल्दी और क्लीन बनाता है। मैंने कुछ अर्सा पहले draz.pk से 3 से 4 पैकेट ऑर्डर किए थे चेक करने के लिए, जो इस्तेमाल करने पर मुझे बहुत ही सिंपल, वेल पैक्ड, इफेक्टिव और हाइड्रेटिंग लगे। तो मैंने इनके सारे वेरियंट्स या फ्लेवर्स ऑर्डर कर दिए, जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में थे, सिर्फ 150 रुपये में एक, और इस्तेमाल भी हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा करना है। अप्लाई करने पर बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, जो आपकी स्किन को बहुत रिलैक्स फील देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, इसलिए गर्मियों में बहुत अच्छे हैं। लगाने का तरीका वही है, फेस को अच्छे से क्लींस करने के बाद इसे अप्लाई करें और 20 से 30 मिनट तक रिलैक्स करें। गर्दन वगैरह पर बचा हुआ लिक्विड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो अप्लाई करने का पूरा मेथड प्रोडक्ट के ऊपर भी मेंशन है। ये स्किन को सॉफ्ट और रेडिएंट बनाता है और अप्लाई करने पर इतना अमेजिंग फील होता है कि बता नहीं सकती। आप यूज करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, 20 से 30 मिनट बाद इसे हम उतार देते हैं और फेस को वॉश नहीं करना और ना ही इसे दोबारा यूज करना है। हाँ, वक्ती तौर पर इसे बॉडी के बाकी खुले हिस्सों पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अच्छा, एक आध दफा के इस्तेमाल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 से 8 वीक्स तक तो जरूर यूज करना होगा। इनके टोटल 13 फ्लेवर्स हैं और मेरे पास इस वक्त सारे ही मौजूद हैं। जैसे ग्रीन टी वाला मैं आपको दिखा चुकी हूँ और ये काम करता है ओपन पोर्स के लिए। अच्छा, ये फ्लेवर थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ हैं, मैं बता देती हूँ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। आपको जो आपको चाहिए हो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमीग्रेनेट थकी हुई स्किन को प्लेजेंट लुक देता है, सॉफ्ट और सप्पल बनाने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा अनार का एक्सट्रैक्ट स्किन को खूबसूरत और यंग बनाता है और हर तरह की स्किन वाले ये यूज कर सकते हैं। पोटैटो, अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा डलनेस का प्रॉब्लम है, ब्राइट बिल्कुल भी नहीं फील होती, तो आप इसे यूज कर सकते हैं और ये नेचुरल आपकी स्किन पर ग्लो देगा, सन टैन को रिमूव करेगा। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को नरम मुलायम बनाते हैं। रॉयल जेली,
एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट देता है और मैच्योर स्किन को एक्स्ट्रा नरिशिंग देता है। एलो, अगर सनबर्न हो जाए या स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए गर्मी की वजह से, तो ये वाला शीट मास्क बहुत बेस्ट है और बहुत बेहतरीन नताइज देता है। रेड जिनसिंग, ये एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है। जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है और वो पूछते रहते हैं कि हमारी स्किन काफ़ी ड्राई है और अनइवन भी फील होती है, तो वो लोग ये शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। विटामिन, ये शीट मास्क ओवरऑल आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस शीट मास्क में हेलोरोनिक एसिड मौजूद है जो स्किन को हेल्दी बनाता है और लंबे अरसे तक बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रखता है। कोलेजन, ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और ये मास्क स्किन को ज़्यादा यूथफुल बनाता है। सीवीड, ये स्किन सेल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से स्किन को हेल्दी बूस्ट मिलता है। मुरझाई हुई स्किन और गहरी रंगत में भी अच्छा है। कुकम्बर, ये मास्क गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा सन की वजह से डैमेज हो जाए तो उसे रिपेयर और हील करता है। ये वाला मास्क ऑयली और ड्राई स्किन वाले आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो लोग पूछते हैं कि गर्मियों में स्किन ड्राई और खिंची खिंची सी फील होती है, वो वाले लोग भी ये मास्क ज़रूर ट्राई करें। कोएंजाइम Q10, ये मास्क आपकी डेड स्किन सेल्स को रिन्यू करने में हेल्प करता है और ये काफ़ी मज़े का है। ये स्किन को प्रोटीन फ्राहम करता है और सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। पर्ल, इस शीट मास्क में अमीनो एसिड और ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कुदरती तौर पर ब्राइटन करने की ताकत रखते हैं। डेड स्किन वाले ज़रूर यूज़ करें। टैन को भी रिड्यूस करता है। ये स्किन को वाइटनिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टेम सेल, ये मास्क प्लांट की एक्सट्रैक्ट से हासिल किया गया है जो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी रफ और टाइट स्किन को डीपली नरिशिंग प्रोवाइड करता है और स्किन को रोशन और सेहतमंद बनाता है। ये सारे मास्क लेकर आप ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको लगे आप उसे दोबारा भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने खरीदे हैं। जो मेरे फेवरेट हैं उनमें है कुकम्बर, पर्ल और एलो। इनकी एक स्पेशल ऑफर है जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बड़ी तफसील के साथ लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इसे आप draz.pk से बाय करने के अलावा स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं ताकि ओरिजिनल चीज ही आपको मिले। इसके अलावा पाकिस्तान में आज ही नया बजट पेश हुआ है तो इसके प्राइस भी 1 जुलाई से बढ़ने वाले हैं, जो कि 150 से बढ़कर 190 रुपए पर पैक हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ से पहले पहले भी लो प्राइस से फायदा उठाया जा सकता है। मजीद अगर कोई सवाल हो तो कॉमेंट्स में जरूर पूछिए। लाइक शेयर, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।